कि आपने 3 रैली भी पंजाब में पिछले 2 दिन में किए, मैं भी पंजाब में था। पंजाब एक स्टेट है जो काफ़ी चैलेंजिंग माना जा रहा है बीजेपी के लिए, वहाँ किसान प्रोटेस्ट भी कई जगह पे हो रहे हैं। आपको क्या लगता है पंजाब की सिचुएशन, क्या आप फार्मर्स को मना पाएंगे वहाँ पे, जो फार्मर्स कुछ लगता है शायद नाराज हैं? पहली बात है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्णिम काल है, ये स्वर्णिम काल है। वहां जो सरकार है वो पूरी तरह विफल गई है, और पंजाब के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं। उनको दिल्ली से रिमोट से कोई सरकार चलाए, इसको पंजाब का अपमान मानते हैं, और ये इनके जहन में है। और सबसे ज्यादा तब हुआ कि एक मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए दूसरे मुख्यमंत्री को जेल में मिलने जाए, तो ये पंजाब को बहुत हर्ट कर रहा है कि भाई ऐसा कैसी सरकार जो दिल्ली के लोग चलाएंगे, तो फिर पंजाब की क्या है? इसका गुस्सा है, ये चुनाव में बाहर आने वाला है। और उनको लगता है कि भाई बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सिख समाज के लिए भी इतना काम किया है, करतारपुर कॉरिडोर की बात हो, या मैंने एक प्रकार से किसानों की भलाई के काम की बात हो, किसानों की इरिगेशन की चिंता हो, MSP बढ़ाने की बात हो, सिंचाई की व्यवस्थाओं की बात करनी हो, यूरिया दुनिया भर में 3,000 रुपया हो गया, हम 300 में दे रहे हैं, तो एक प्रकार से अनगिनत मैंने काम की है, उसका उनके लाभ भी हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मैं मानता हूं कि बेनिफिट है। और खासकर इवन जो पंजाब मैंने जो मिलेट का किया है ना, जी वो वहां के किसानों को छूता है, उनको लगता है यार हमारा मिलेट अब दुनिया में बिकेगा, उसको गर्व हो रहा है, उसको आनंद हो रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका परिणाम मिलने वाला है।